फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 19 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 19 अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 बी के बारे में। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन एंड ए एक्स प्लस बी की पावर एन, जिसमें एक्स किसमें बिलोंग करेगा आपका, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और n आपका कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन का अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव। तो कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूले के लिए आपको मैंने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 13 है उसमें एक्सरसाइज आई थी 13.2 को, उस एक्सरसाइज को आप इंट्रो वीडियो इसमें अपलोडेड है, उसमें आपकी इसी की जो चैप्टर है उस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट में उसमें आपको गिवन रहेगा। फर्स्ट वीडियो उसको आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले जो डेरिवेटिव में यूज होते हैं, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आ जाएंगे, लॉगरिथम फंक्शन भी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी आ जाएगा। उसके बाद में बात करूं उसमें आपका एडिशन रूल भी आएगा, सब्ट्रैक्शन रूल भी आ जाएगा, और प्रोडक्ट रूल भी आ जाएगा, और कोसेंट रूल भी आ जाएगा। तो एक बार कंप्लीट देख लो, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब इसमें जो इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले यूज होंगे उन्हीं की मैं बात करूंगा। तो फर्स्ट तो आपका मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है, लेट करके मान लेता हूं, कोई फंक्शन आपका वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन गिवन है, एक्स की पावर एन आपको गिवन है, और आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो dy अपॉन में dx, और इसका होगा पावर पहले पावर में से एक कम। आपको डायरेक्ट माइंड में ये रखना है कि आपको d अपॉन dx किसका, x की पावर n दिया हुआ है, तो पावर पहले पावर में से एक कम, ये माइंड में रखना है। ऐसे में d अपॉन dx x की पावर 1 की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। उसके बाद में कॉन्स्टेंट को ले लो, मैं एक साथ ही ले रहा हूं टोटल, एक इसको देखो, इसको मैं बताता हूं आपको, d अपॉन dx ये चेन रूल के अकॉर्डिंग आता है वैसे, ax प्लस b की पावर n, पहले इस पावर का करो, पावर का क्या होता है, पावर पहले, यानी पावर पहले पावर में से एक कम। अब इसका जो बेस था वो x था, इसका बेस ये है, तो ax प्लस में b की पावर n माइनस 1, पावर पहले पावर में से एक कम हो गया, बेस सेम रहेगा। अब मैंने इस पावर का किया है तो अभी ये भी बचा ना, इसका कर दो, तो d अपॉन dx किसका करेंगे, ax प्लस में b का करेंगे, ठीक है ना, अपन यूज करेंगे इन चीजों को, तो आप देख लेना अभी से। तो n इंटू ax प्लस में b की पावर n माइनस 1। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो a तो क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो a सेम आ गया, क्योंकि कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई में तब बाहर ही आएगा, उस कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। यदि कांस्टेंट अकेला है तो उसका पूरे का डिफरेंशियल कितना होगा, जीरो, जैसे ये है इसका जीरो हो जाएगा, इस वन का एक्स का भी पड़ा था वन और इसका कितना आपका जीरो, तो इस पूरे फॉर्मेट का आंसर कितना है, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ध्यान से देख लेना। फिर आगे एडिंग है कि किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का क्या होगा, तो डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल, कॉन्स्टेंट सी को ले लेता हूं मैं, सी के यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका कितना होगा, जीरो, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, वैसे कंप्लीट फॉर्मूले आपको बताए हैं, तो ये हो गया और ये हो गया। एक आप इसका भी माइंड में रखो, देखो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका, देखो मैं इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, किसका, रूट एक्स का, इसको। अब रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2। फॉर्मूला क्या है, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से वन कम, तो ये वन कम, इसी को लिख सकता हूं मैं 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। पावर नीचे जाएगी तो ये पॉजिटिव, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, और 1/2 पावर है तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू रूट एक्स। तो इस फंक्शन का अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे इसको, तो आप इस फॉर्मूले पे भी गौर कर लेना, ठीक है। अब देख लेता हूं मैं क्या क्या आपके हैं। ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट है, या आप अभी कांस्टेंट का मैंने आपको बता ही दिया है,
ठीक है, ये कांस्टेंट वाला हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ये भी बता दिया। फिर एडिशनल हो गया, देखो कुछ और कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहीं पे देखो कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन आपको गिवन है ऐसे कि डी अपॉन डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन के साथ में कौन मल्टीप्लाई में, के मल्टीप्लाई में, तो के तो कॉन्स्टेंट का काम करेगा तो बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का होगा, अभी किया था मैंने इसका, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना। फिर एडिशन के अंदर अपन बात करें तो एडिशन में मान लीजिए कोई दो फंक्शन गिवन आपको यू प्लस में वी, तो पहले इस u का होगा यानी डी यू अपॉन में डी एक्स होगा, और फिर इस v का होगा यानी डी वी अपॉन में डी एक्स होगा। यदि दो फंक्शन आपके एडिशन के अंदर है तब उन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे होगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में है तो ये सब्ट्रैक्शन वाला रूल आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान से देख लेना। उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 19C के बारे में, उसमें आएगा आपका प्रोडक्ट रूल, तो मैं प्रोडक्ट रूल का भी ऐसे ही कर लेता हूँ। आप देखो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और प्रोडक्ट रूल या फिर प्रोडक्ट रूल, चलो अभी बता देता हूं। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ये क्या आपका प्रोडक्ट रूल है भाई, इसको प्रोडक्ट रूल, ये लीजिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट सेम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये ले लीजिए सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, कैसे माइंड में रखोगे, दो फंक्शन आपको गिवन है फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट में क्या है, दो फंक्शन आपके डिविजन के अंदर दिए हुए ऐसे यू अपॉन वी के फॉर्मेट में, ये आपका डिनोमेटर वाला और ये न्यूमरेटर वाला, तो डिनोमेटर का स्क्वायर सबसे पहले तो जिसका स्क्वायर किया उसको ऊपर सेम कर दो, तो डिनोमेटर तो सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, न्यूमरेटर का, ये लीजिए, फिर माइनस न्यूमरेटर सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, इस नीचे वाले यानी डिनोमेटर का, ये लीजिए, ठीक है ना, ये कोसेंट रूल मिलता जुलता है, ध्यान से इसको देख लेना, बस यहां पर प्लस है यहां पर माइनस और पूरा सेम है, ठीक है, नीचे वाला आपका अलग है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएंगे ना, तो सारा बताया हुआ आप देख लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 19C(b) का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका फर्स्ट देखते हैं। देखिए यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके फाइंड आउट करना है, तब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आपको फर्स्ट गिवन है इसका कि इसको मैं लेट करके y मान लेता हूं कि y इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स भी मान सकते हो, ये वैल्यू कितनी आई हुई है आपकी, ए एक्स की पावर एम प्लस में बी की पावर एम, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। फिर सेकंड के अंदर में मान लेता हूं लेट करके y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 2, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को देखते हैं अपन पूरा कंप्लीट कि अपन इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है ना, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है डिफरेंशिएट, तो वाई का करो तो डी बाई डी एक्स, फिर इसका करो तो डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स का, फिर इसका करो डी अपॉन डी एक्स किसका, ए एक्स की पावर एम प्लस में बी, ठीक है ना। धीरे धीरे आप इन सब का यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ही करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, एक बार समझ लीजिए आप। तो डी बाई डी एक्स इसमें जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो मैं लगा दूं तो पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स की पावर एम, फिर डी अपॉन डी एक्स बी एक्स की पावर एम। अब देखो इसमें मैं सोल्व करूं तो पहले इस पावर का कर दो, पावर का करूंगा तो पावर पहले, पावर में से एक कम, तो ए एक्स की पावर तो एम माइनस वन हो गया।
अब मैंने इस पावर का केस के अंदर भी है ना कुछ इसका कर दीजिए, तो d अपॉन dx किसका होगा, ax का भी होगा, और प्लस x के रेस्पेक्ट में करें तो x की टर्म ही नहीं है ना यहाँ पे, तो ये क्या कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट का भी पड़ा था जीरो। दो फॉर्मूले यूज किए मैंने, d अपॉन dx किसका, x की पावर n का, क्या होगा पावर पहले पावर में से एक कम, एक कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट सी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। इसी को मैं लिख सकता हूं m इंटू ए एक्स की पावर m माइनस वन, ए तो कांस्टेंट है और x का कितना वन, इसी को लिख सकता हूं m a इंटू ए एक्स की पावर m माइनस वन, ये आपके इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो d अपॉन dx इंटू एफ ऑफ x, तो मैंने वहां पे y लिया है, ठीक है ना। अब देख लो इसको आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ, m ठीक है भाई, ये थोड़ा सा इसमें चेंजेबल है, अब चेंजेबल क्या वो देखो, देखो आंसर चेक करते हैं, मिलाते हैं आंसर को यहाँ पे, ठीक है ना। देखो क्या आया है, m कांस्टेंट a की पावर, ठीक है देखो इन दोनों को तो मैं सेम लिख दिया, और ये a की पावर वन होगी, इसको मैं लिखना चाहूं तो एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि a ए बी की पावर m आपकी गिवन है, तो a की पावर m होगी, b की पावर भी m होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m माइनस वन और x की पावर m माइनस वन, बेस सेम है तो ये पावर एड होगी, तो a की पावर m और ये x की पावर m माइनस वन, आप आंसर ये भी लिख के आओगे तो भी ऐसे ही आपका, ठीक है ना। उसको देखो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो देखो ध्यान से, इसका मैं करूं तो इसका तो हो जाएगा डी बाय डी एक्स, और फिर इसमें आप डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू। अब मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले आप इसका कीजिए, इसका एक्स की पावर थ्री, पावर पहले पावर में से एक कम, तो ये टू, फोर कॉन्स्टेंट है, देखो इसका कर रहा हूं ना मैं, इसका यहां पर आपका फोर ए कॉन्स्टेंट है, इसका करो, इसका करेंगे तो x की पावर 2 का कितना, पावर पहले पावर में से एक कम, प्लस 7 कांस्टेंट है x का कितना 1, और प्लस इसका कितना 2 का कांस्टेंट 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 7, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर दीजिए एक बार, और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बड़ा सा फंक्शन गिवन है आपको, तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि लेट y इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 6 माइन प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 11 इंटू एक्स की पावर 2 और 6 प्लस 6x प्लस में 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। दोबारा चेक कर लेता हूं, 7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 8 एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 11x प्लस 6x प्लस 7, ये आपको फॉर्मेट गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका कितना dy बाय dx, ठीक है, फिर d अपॉन dx लगा दीजिए उसी की तरह, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 7 इंटू, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका करो पावर पहले पावर में से एक कम, कर दिया, फिर 8 कांस्टेंट है बाहर x की पावर 3 का, पावर पहले पावर में से एक कम, ये लीजिए इसका, फिर माइनस 3 इसका करो पावर पहले पावर में से एक कम, ये इसका हो गया, प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर पहले पावर में से एक कम, प्लस 6 इंटू एक्स का कितना 1, 7 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कितना 0, ठीक है। एक एक चीज का देख लीजिए, 8 कांस्टेंट ये हो गया, 3 कांस्टेंट ये हो गया, 11 कांस्टेंट ये हो गया, 6 कांस्टेंट तो x का हो गया, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका जीरो आ जाएगा। 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 42 इंटू एक्स की पावर 5, 40 इंटू एक्स की पावर 4,
माइनस 12 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 42 और ये 40x की पावर 5, ये 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कंप्लीट सही है। चलिए देखिए, ठीक है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक वो अपन चेक कर लेंगे, और मिस्टेक तो नहीं करेंगे फिर भी थोड़ा सा हो जाता है वीडियो में। एक फंक्शन गिवन है, उसको मैं वाई ब्लेट कर देता हूँ, 3 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस पाई इंटू एक्स की पावर 4 2 अपॉन 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 4 अपॉन में 3, ये आपको गिवन है। इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो लाइन लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का करें तो डी बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट तो अकेला कांस्टेंट हो तो 0, प्लस यहां पे ये 4 आपका कांस्टेंट है, इस एक्स का कितना होगा 1, माइनस 7 आपका कांस्टेंट है, इसका करो पावर, पहले पावर में से एक कम ही कर देता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना, माइनस रूट 2 आपका कांस्टेंट है, एक्स की पावर 3 का करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, 3 माइनस 1 कितना 2। अब देखो अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स की पावर 4 कांस्टेंट है, ठीक है ना, यदि मैं इस पूरे फंक्शन का पाई के रेस्पेक्ट में करता तो एक्स कांस्टेंट होता, ठीक है ना, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके अलावा जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, तो पाई तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर 4 का करें तो 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2 अपॉन 5 कांस्टेंट है, एक्स की पावर 5 का करूं तो एक्स 5 इंटू एक्स की पावर 4 और ये कांस्टेंट है तो ये प्लस में 0। अब कर दीजिए, तो ये 4 माइनस 14x माइनस 3 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू 4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक की बात है, 4 पाई इंटू एक्स क्यूब माइनस, इससे ये कैंसिल आउट तो माइनस का आएगा ये, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4। अब चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 14x माइनस 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स क्यू माइनस 2 एक्स की पावर 4। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट को देखो, देखो फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है, लेट करके y मान लीजिए कितना है 3 अपॉन में x की पावर 5, ये आपका फिफ्थ है, और सिक्स्थ में आपको गिवन है y इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन में 3। करते हैं इसका, ठीक है, सबसे पहले तो इस पावर को ऊपर लेके जाइए आप, इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो 3 इंटू एक्स की पावर माइनस का 5 ही होगा। अब करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो हो गया 3 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। अब इस पूरे का करूं तो पावर पहले पावर में से एक कम, तो ये एक कम, समझ रहे होंगे, ये माइनस तो बाहर और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 एक्स की पावर माइनस 6, ये आपका आंसर। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 15 पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव, अब देख लो किस फॉर्मेट में आंसर है, पॉजिटिव में है तो एक्स की पावर नीचे आ जाएगी। इसको देखो, इसका डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स, पावर पहले, ये पावर पहले, एक्स की पावर 5 अपॉन में 3 माइनस 1, पावर पहले पावर में से एक कम, इसी को मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन 3 एक्स की पावर, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 5 माइनस 3 कितना 2 अपॉन में 3, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7, इस पावर को ऊपर भेज भी किया हुआ है, तो देखो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए y इक्वल टू कितना है 7 अपॉन में x की पावर 2/3, ये है, और इसका 8 भी लिख देता हूं, y इक्वल टू, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन आपका, y इक्वल टू रूट x
प्लस वन अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये लो ठीक है ना, सिंपल सा है। इसका नेक्स्ट भी ऐसे कर लेंगे अपन, तो ये आपका देखिए ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, यदि मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो सबसे पहले पावर को ऊपर लेके जाइए, ये पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज होगा पावर का, ये लीजिए कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स ये सेवन। अब करो इसका पावर, पहले पावर कितनी है टू बाई थ्री, पावर में से एक कम तो टू बाई थ्री अपॉन में प्लस एक कम कर दीजिए, ये लो, इसी को मैं लिख सकता हूं सेवन इंटू माइनस टू अपॉन में, ये देखो बाहर आ जाएगा ना, बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 अपॉन में 3 एक्स की पावर 2 अपॉन 3, ऐसे में लेके आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी कि माइनस का 2 प्लस 3 अपॉन में 3, इसी को लिख सकता हूं मैं 14 अपॉन 3 तो नेगेटिव एक्स की पावर 3 माइनस 2 कितना 1, 1 अपॉन में 3, ये देखो आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका एक में आंसर नहीं आ रहा, अभी मिस्टेक कर दी क्या सेवन पे, एक्स की पावर टू बाई थ्री नीचे है ऊपर लेके गए नेगेटिव हो गई, पावर पहले भी हो गया ठीक है, पावर में से एक कम करो, सॉरी एड कर दिया मैंने यहां पे, तो ये आपका ये लीजिए ठीक है, पावर पहले पावर में से एक कम तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 5 अपॉन 3। अब ये नीचे आके पॉजिटिव बनेगी तो 14 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अपॉन 3, अब देखते हैं ठीक है, ये एक्स इसके साथ में है ये 3 ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका y इक्वल टू रूट एक्स प्लस में वन अपॉन में रूट एक्स ठीक है, वन अपॉन में रूट एक्स, इस इक्वेशन नेक्स्ट भी ऐसा ही है सेम ही है, तो मैं एक इक्वेशन को और बता देता हूं, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, चलिए देखो। सबसे पहले आप a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे लगाइए, a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे लगाऊं तो a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, ये लगा दीजिए तो y इक्वल टू इसका स्क्वायर x, इसका स्क्वायर 1 अपॉन में x, फिर प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये फॉर्मेट बन गया। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो देखो थोड़ा सा एक फॉर्मूला एक और मैं आपको यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x ऊपर जाएगा तो d अपॉन dx x की पावर माइनस 1, तो पावर पहले पावर में से एक कम, ये लीजिए तो वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन में, इसको एक बार लिख देता हूं, देखो x की पावर माइनस 2 नीचे आएगी तो माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे इसका और रूट एक्स का ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy / dx इक्वल टू x का कितना 1 और इसका कितना माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो इसका 0, इसी को लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा ठीक है, चेक कर लेता हूं ठीक है, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं डिफरेंशिएट आपको समझ में आ रहा होगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर को अपन 12th में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपको आना चाहिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th इसी पे बेस है ठीक है ना आदि, तो चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।